गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा ये पॉट है। इसमें मैंने ये थोड़े से पत्थर डाल रखे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो मैंने इसमें कल अगेब लगाया था। अगेब जो था प्लांट, वो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो उसमें ये पर्पल हार्ट भी लगा हुआ था, तो मैं इसे भी ट्रांसप्लांट कर दे रही हूँ। तो आज मैं पर्पल हार्ट के बारे में बताऊँगी और इसके बारे में बताऊंगी और इसकी केयर कैसी करनी चाहिए और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगी। तो ये तो मेरा स्टाइल है इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, मेरी जितनी भी ये गार्डन वेस्ट है या जो भी अभी हम मैंने जो प्लांट निकाले हैं उसमें ये स्टेम टूट गई है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है तो बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये बहुत बहुत सॉफ्ट होती है, ज़रा सा टच करने से ये टूट जाती है, तो वो निकालने के चक्कर में ये टूट गई हैं। तो मैं इसकी कुछ ब्रांचेस निकाल दूँगी जिसमें रूट होंगी, वो मैं निकाल के रख लूँगी, वही मैं इसमें लगाऊंगी। क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, उसमें इतनी रूट बन गई थी बहुत बुरी तरह से, पूरा रूट जो है प्लांटर के बाहर निकल आई थी। तो मैं इस टाइप से कुछ निकाल दूँगी, कुछ ही लगाऊंगी और कुछ मैं इसमें सारी रख दे रही हूँ। और आपको पता है, जितनी भी मैं इस टाइम डाल रही हूँ, हो सकता है इसमें से भी स्प्राउटिंग होके बाहर निकल आए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ता है और बहुत ईजी टू ग्रो है प्लांट। इसकी मिट्टी आप हमेशा ही बिल्कुल भुरभुरी सॉफ्ट रखो। इसमें 1 पार्ट आप 10% आप रेत रख लो और 30% आप इसमें सॉइल रखो और 50% मतलब 30% इसमें अपनी खाद रखो और 50% आप इसमें गार्डन सॉइल रखो और 10% अगर कोकोपीट मिल जाती तो कोकोपीट रखो, नहीं तो आप इसमें धान की भूसी मिल जाए वो रखो। और इस तरह से इसमें खूब दवा दवा के भर दूँगी। अब मैं इसमें दवा के इसलिए भर रही हूँ जिससे कि थोड़ी मिट्टी एक्स्ट्रा आ जाए। अगर मिट्टी ज़्यादा नहीं आ भी पाती है तो भी मैं बाद में इसमें ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि ये जो हमने गार्डन वेस्ट जितना भी डाला है वो सब जब डिकम्पोज होगा तो ये नीचे बैठ जाएगी मिट्टी। तो इससे नीचे बैठने के बाद में हम इसमें और मिट्टी भर देंगे और नीचे जो भी मिट्टी हो, जो भी हमने गार्डन वेस्ट भरा है, वो बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगा। ये पर्पल हार्ट तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं, नाम है इसका, मगर इसका वैज्ञानिक नाम सेट्रेसिया प्लीडा है। और इसे हम गार्डन कवर के रूप में भी इसे लगा सकते हैं। प्लांट पूरा अपना अगर गार्डन को कवर करें तो बहुत जल्दी कवर कर लेता है। और इसे इसमें लगाने के बाद में पानी ज़रूर डालेंगे, पता चले आप पानी डालो तो ये बेकार हो जाएगा प्लांटर, है ना। और इसे गार्डन कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेल करती हैं तो इसमें हम हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं। और इसकी जो पेलवेट जैसी जो पत्तियाँ होती ना पर्पल की, बहुत सुंदर लगती हैं, पेलवेट पर्पल की होती है, उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे से, हार्ट मतलब हार्ट डिज़ाइन के होते हैं, इसी वजह से शायद इसे पर्पल हार्ट कहते हैं। पिंक पिंक आते हैं छोटे छोटे से फूल, सुंदर लगते हैं बहुत। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये 6 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। और इसकी जो ब्रांचेज है वो ट्रेल करती है नीचे को, झुकी झुकी रहती हैं, फैली रहती हैं। और ये देखो इतनी इतनी छोटी सी अगर आप ब्रांचेज लगा देते हो ना तो वो भी इसमें ग्रो कर जाएंगी। अब 3-2-6 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर की या 4 सेंटीमीटर की भी लगा दोगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और इसकी मिट्टी को आप सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट कर बना के रखो, बिल्कुल ड्राई मत होने दो। क्योंकि ये देखो इस तरह से इसकी रूट पूरी भर गई थी, बुरी तरह से पूरा कवर कर लिया था इसने रूट रूट से, और उसके थर्माकोल के नीचे से निकला। इतनी बड़ी ब्रांचेस आप इस तरह से आप लगा दोगे तो ये अच्छे से रूट भी बन जाएंगी और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। क्योंकि मैंने ये लगाया था तो इसी टाइप से मैंने इसे लगाया था, तो ये सारी रूट कितनी अच्छी रूट बनी है, बहुत बड़ी हो गया था ये प्लांट। तो इसकी पिंचिंग भी ज़रूरी होती है, अगर फ्लावर्स हैं या बहुत ज़्यादा ब्रांचेज बड़ी बड़ी हो गई है तो इनकी पिंचिंग करना ज़रूरी होती है। पिंचिंग करोगे तो ये फ्लावर्स बहुत मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसे गर्मियों में तो शेड में रखो, पार्शल शेड में, और सर्दियों में आप इसे फुल सन में रखो। जितनी सर्दियों में इसकी फुल सन मिलेगी उतने इसके कलर अच्छे आते, ब्राइट निकल के आते हैं। और गर्मियों में रखो तो कलर फेड होने लगता है धूप में और ये मर भी जाएंगी फिर ये, इसलिए इसे शेड में ही रखो। कुछ कुछ ये सकलेंट फैमिली की तरह होते हैं, इसके पत्ते जो लीफ होते हैं वेलवेट की जैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। और उसे अगर इसकी ब्रांचेस को तोड़ोगे तो इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जूस टाइप का निकलता हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ जिससे आपको मेरे वीडियो की सारी नॉलेज मिल जाए। आप इतना इतना हाफ हाफ ये बैठ जाएगी मिट्टी तभी हाफ हो जाएगा पूरा। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी अभी तो हम इसे शेड में रखेंगे, ठीक है, और शेड में रखने के बाद भी इसे पानी धूप में लगाएंगे। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।